घर की मेरी जैकेट आ गई है, जल्दी जल्दी घर पहुंचता हूँ, घर जाके बताता हूँ। कैमरे में भी पानी आ गया है भाई, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी बंद नहीं हो रही। ओ भाई इतना पानी, ओ भाई बंद हो जाए यार प्लीज, बंद हो जाए, लॉक लगाना पड़ेगा मुझे अब इसमें यार, बंद हो जाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि सर्दी का क्या ही एंजॉयमेंट ले पाओगे अब, या बारिश नहीं होती तो इंसान सर्दी को चलो ठीक भी है मैनेज कर लेगा, ये बारिश के ऊपर क्या बताएं। फोकस क्लिक कर दो, अभी 8:40 हो गई है, शाम के 8:40। आज जो डेट है वो डेट है 8th of January। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया है, वॉच कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। अब ब्लॉग को स्टार्ट करने का रीज़न पता है क्या है? मैं अभी शाम को खाना खाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी घर पे खाना नहीं बना रहा हूँ। अब बाहर ना लास्ट 2 दिन से ऐसे कंटिन्यू बारिश हो जा रही है, अभी शाम को बंद थी जब मैं ऑफिस से आया, अभी फिर से बारिश हो रही है। अब मैं सोच रहा था रूम से अभी निकल के आया, कपड़े वपड़े पहन के चला जाता हूँ बाहर, खाना वाना खा करके फिर ब्लॉग वगैरह एडिट कर दूँगा। और अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे देखो कितनी बारिश हो रही यार, बारिश बाहर, पता टेम्परेचर कितना है अभी राइट नाउ? 14 टेम्परेचर है, हाँ 14 अभी देखा मैंने, 14 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है, और ऊपर से ये बारिश, ऊपर से दिल्ली NCR नोएडा। भूख भूख लग रही है यार, बारिश बंद हो जाए कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा, जाऊँगा जरूर, भूख लगी है। तो ये आज का टास्क है और यही आज का ब्लॉग है, ठीक है? इसको आगे तक देखना कैसे ये टास्क पूरा होगा। तो आ जाओ, अब देख रहे हो बारिश, कैसे जाऊँ मैं यार। अब देखो, अब ये ना इन भैया ने सामने छतरी ला रखी है, अब मेरे पास ना छतरी भी ना, मैं छतरी लगा के चला जाऊँ अब। लेकिन देखो ये फिर अपनी जाऊँगा भीग जाऊँगा, सर्दी लग जाएगी यार, ये ऐसी सर्दी भाई साहब। यहाँ पे बीमार पड़ गए ना तो यहाँ दिल्ली में भाई साहब कोरोना का सीन और ज़्यादा चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो गया तो मेरे लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी, ऑफिस में अलग होगा वो अलग होगा यार। अब कैसे बता, अब कैसे करा जाए, भूख लग रही है यार, लेकिन जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे धीरे धीरे से निकलूँ इसके बगल से साइड से, लेकिन भीग तो फिर भी जाएंगे, वो दूर है यार जाने के लिए। चलो पहुँचता हूँ कैसे ना कैसे करके, फिर बताता हूँ आगे, रुको। अब मैं ना ये जो दिख रहा है ना बगल बगल, ये वाला रास्ता अपनाता हूँ ऐसे करके। मैंने मटको नहीं ली, मटको वो खड़ी है उधर देख रहे हो, मैंने पैदल पैदल जा रहा हूँ, दूर है लेकिन भैया ना पैदल पैदल थोड़ा सा कम भी हुआ, लेकिन भी हुआ जरूर यार। चल 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 यार पे चल। ओ भाई बारिश तो हो रही है, तेज की हो रही है यार। वो दुकान है सामने वो वाली, उस दुकान पर चल के देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हल्का फुल्का खाने के लिए। तो अभी मैं दुकान तक तो आ गया जैसे तैसे, बस बता कि ये मैंने दीदी टास्क रखा है एक, कि बारिश में मुझे पैदल पैदल खाना खाने जाना है। मैं अपनी बाइक नहीं निकालूंगा, बाइक मेरी अंदर खड़ी है, अब जाता हूँ। हाँ तो ये मुझे भैया मिल गए पीछे, वो ऊबर वाले भैया हैं उधर, अब ये मुझे रामदास तक छोड़ देंगे बस। आप मतलब ओवरऑल यही है, बाहर निकलो तो सही, तो भूखे हो तो क्या, खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ तक अभी पहुँचते हैं, देख रहे हो मैं मटको लेकर के नहीं आया, लेकिन मुझे फिर भी 4-व्हीलर मिल गई, आराम से जाऊँगा, भीगूंगा भी नहीं मैं। तो भूख का इलाज हमारा, भूख का सामान मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा प्रॉपर। 8:50 हो रही है अगर आपको दिख रहा हो तो। अब चल रहे मार्केट, तो दिल्ली में लॉकडाउन कब तक रहेगा ऐसे? सैटरडे संडे कम्प्लीटली नहीं है भाई, कोई निकल ही नहीं रहा ना बारिश, लिए कोई निकल ही नहीं रहा, कोरोना बढ़ रहा है, चक्कर में कोई निकल नहीं रहा, सारी समस्या। हाँ इसी वजह से सारे के सारे काम धंधे सब ठप हुए जा रहे हैं भाई, इसमें गरीब बेचारा फिस जाता है। अब जिसके पास सेविंग है वो तो काम कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो भाई क्या ही करेगा। चले मालिक, दीदी एक नमकीन का पैकेट दे दो, वही दे दो जो मैं खाता हूँ, क्या नाम है उसका, खट्टा मीठा सा होता है वो, अरे नहीं उसमें वो भी, हाँ इसी में होते हैं ना सारे वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पंचरत्न दो, अच्छा है नहीं। चलो ये खट्टा मीठा खा लेता हूँ तब तक, क्योंकि भूख तो लगी रही है यार, बहुत गंदी वाली भूख लग रही है मुझे, लिटरली सही बता रहा हूँ सच्ची में, क्योंकि मैं ऑफिस से आया तो मैंने सोचा बारिश तो अभी हो ही नहीं रही। चले चले आगे चल के बताता हूँ, रुको पहले ड्राइवर साहब चल रहे थे। ये भैया हम गाड़ी के अंदर आ गए, ठीक है भाई, अभी हम ये गाड़ी के अंदर तो बैठ गए,
तो ओवरऑल ये जो भैया है वो हमें बाहर होटल है रोड पे रामदास ढाबा नाम है ना उसका, हाँ रामदास ढाबा, उस पर जाकर के खाना खा लेंगे। तो उसमें फिर उधर से देख लेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस में आ जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। देख रहे एक तो सर्दी और ऊपर से बारिश, दोनों का भाई क्या ही कॉम्बिनेशन भैया, क्या बताएं अब आप लोग। भाई कमेंट करके बताना सारे के सारे मेरे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि सर्दी का क्या ही इन्जॉयमेंट ले पाओगे अब। यार बारिश नहीं होती तो इंसान सर्दी को चलो ठीक भी है मैनेज कर लेगा, ये बारिश के ऊपर क्या बताएं। हाँ अपना चैनल है यूट्यूब पे, अर्पित फ्रॉम यूपी के नाम से। अच्छा। तो मैं जस्ट अभी रूम से निकला, मुझे मैंने सोचा खाना खाने जाना है तो चलते हैं। मैं सोच रहा था बारिश नहीं हो रही होगी, अभी ऑफिस से आया तो बारिश नहीं हो रही थी। अच्छा। बाहर निकल के देखा तो बारिश हो रही है। अब मैं वीडियो बना रहा था, फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि अब जाऊंगा लेकिन बाइक से नहीं जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, देखता हूँ कैसे पहुँचता हूँ। तब तक भैया फिर मिल गए आप बाहर आते ही कि मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा इससे अच्छा क्या बात हो सकता है। तो भैया ये आ गया अपना रामदास ढाबा ये, तो भैया को बोलते हैं थैंक यू सो मच भैया। अब मैं पहुंचता हूँ इधर, चलो भैया बाय बाय। तो ये फाइनली ढाबा के अंदर तो आ गए हम। अब यहाँ पे मैंने छोले ऑर्डर किया है और तंदूर की बटर रोटी ऑर्डर की है। तो सबसे पहले मंगाते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं ठीक है। पहले खा लो यार, बहुत गंदी भूख लग रही है। छोले आ गए अपने पास, गरम गरम रोटी आ रही है, अभी खाते हैं। बटर लगवा देते चुपचाप, थोड़ा सा बटर लगा दो बस, दे दो लगा दो, हाँ दे दो लाके हम लगा लेते हैं। तो भैया ये आ गई रोटी और ये रहे अपने छोले, बटर आ जाएगा, अब खाते हैं, मिशन डन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई खाना खा लिया, मैं खाना खाया, ये रहा अपने पीछे, ये है रामदास ढाबा भाई साहब। 60 रुपये में 4 रोटियां और वो बटर और वो छोले। अभी जो समय हो रहा है 9:20, तो हमने ये 8:30 बजे के समथिंग में चालू किया था, 9:20 मतलब आध पौने घंटे के समथिंग में ये भाई साहब मिशन हमने पूरा कर दिया अपना डन। तो भैया हल्की फुल्की बारिश बंद हो गई है, लोग वाक जा रहे हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे ना तो वो हल्के फुल्के निकल रहे हैं। तो मैं भी इसी हल्के फुल्के में निकल लेता हूँ घर, क्योंकि यहाँ पैसे वैसे हमने दे दिए। अब चलो भैया आगे की तरफ, लेट्स गो पैदल पैदल रूम पे। पढ़ तो रही है, देख रहे हो आप, हल्की हल्की मेरी जैकेट आ गई है। जल्दी जल्दी घर पहुंचता हूँ, घर जाके बताता हूँ। कैमरे में भी पानी आ गया है भाई, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी बंद नहीं हो रही। ओ भाई इतना पानी, ओ भाई बंद हो जाए यार प्लीज, बंद हो जाए, लॉक लगाना पड़ेगा मुझे अब इसमें यार, बंद हो जाए। तो ये भाई साहब वापस आ गए हम, अब देख रहे हो इतनी देर में इतनी बारिश हो गई, पानी 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 हो गया। फाइनली खाना डन करके आया हुआ अब, मानूंगा नहीं भाई साहब, मिशन जो था पूरा किया मैंने। चढ़ते चढ़ते परेशान हो जाता हूँ, मैंने एक ब्लॉग में बताया भी था कितनी सीढ़ियाँ भाई मेरे ऊपर फ्लैट पर चढ़ने के लिए ना, 54 सीढ़ियाँ, 3rd फ्लोर पे पड़ता है, एक बार ऊपर चढ़ जाओ नीचे उतरने का मन नहीं करता। तो ये भाई माय नेम इज जॉन सीना, ओ वाओ, हेयर आर रूम, हेयर आर रूम, हेयर अपना रूम वूम कुछ ये। अब ये अब ना मैंने एक चीज़ सीख ली, तो कुछ ये अपना रूम है, ये अपना बिस्तर पड़ा है, ये रहा सब। अभी मैं खाना खा के तो आ गया भाई, है ना, तो अभी जस्ट ये कपड़े अब देख रहा, जैकेट वैकेट शायद आपको दिख रही होगी भीगी है कि मेरे, देखो मुंह पे पानी है, कैप मेरा पूरा भीग गया है। ओ यो लग रहा है ना, कौन सा वाला लोग आ रहा है, ये कौन सा लोग लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। तो फाइनली जो समय हो रहा है 9:30 बज गए रात के, तो मैं आ चुका हूँ घर पे, खाना खा के भाई साहब इतनी भूख लग रही थी, 4 रोटियां खा गया बटर लगा के, आय हाय, और छोले के साथ में। तो मैंने अब क्या करना है, अपना किचन तो अपने पास रखा है, सिर्फ सिलेंडर में गैस डलवानी है और जो छोटा मोटा सामान होगा, फिलहाल में खाना तो आपका भाई बना ही लेता है, तो खाना खुद से बना लिया करेंगे यार। अब रात बारिश बारिश होती रहती, सर्दी में कौन ही कहाँ जाए कहाँ बाहर जाए, और काम होता है बतेरा यार करने के लिए। तो मैं जस्ट यार ऑफिस से आ रहा था, तो ऑफिस से आते समय मैंने सोचा यार अभी तो बारिश होनी रही, आराम से जाऊंगा खा लूंगा, घर पर जाके पहले काम वाम कर लेता हूँ।
घर पे आया, अंदर लेटा रहा लेटे लेटे, भाई साहब 8 बजे भूख लगने लग गई पेट में यार। भूख तो लगेगी जब तुम कुछ खाओगे, नहीं तो ऑफिस में लंच किया था 2 बजे के समथिंग में मैंने, तो फिर वहां से उठा भूख लगने लग गई, मैंने कहा अब बाहर निकल के देखता हूँ। बाहर निकल के देखा तो भाई साहब बारिश हो रही। फिर मैंने सोचा यार मटकों से जाऊंगा तब भी भीगूंगा, मैंने कहा पैदल पैदल चलते हैं। तो पैदल पैदल चलने के लिए फिर आगे कैसे गया हूँ वो तो शुक्र है उन कैब वाले भैया का सॉरी। उन्होंने मुझे बोला कि चलो यार रामदास ढाबा तक तो मैं ही छोड़ देता हूँ, वहां पे खाना मिल जाएगा। हेलो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ठीक है, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको ऐसे पर डे न्यू ब्लॉग मिलते रहेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब एक डेली ब्लॉग अपलोड करूँ मैं, ठीक है। तो मुझे वो भी कमेंट करके बता देना क्या वो सही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज प्यार दिखाना मत भूलना उस वीडियो पे। चलो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ यार, बियर मास्क प्लीज यार, मास्क पहने रहो यार, ये कोरोना वोरोना ना फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। प्लीज बाय बाय।